अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। कहते हैं संतों की कोई जात नहीं होती और संत जो होते हैं ना उनकी कोई धर्म जात कुछ भी नहीं होती। ऐसे ही हमारे साथ संत हैं, संत रंजीत साहिब, और जिन्हों की ढेरों सारी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जो संतों की ही नहीं पूरे बाबा साहब की, कबीर साहब की वाणियों को बहुत ज़्यादा शब्दों अपने शब्दों में ढालते हैं। तो पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है संत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जैसे मशहूर चैनल के सामने मुझे बात करने का अवसर मिल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपकी एक बहुत प्रचलित किताब है, क्या करेंगे साहेब जब ईश्वर मिल जाए तो। हाँ जी, तो उस किताब के अंदर क्या है, हम चाहेंगे कि उसका आप संक्षेप में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो क्या कारण था कि वो किताब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई आपकी। उसमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है नहीं, केवल हमारे मन की एक मीठी कल्पना है। एक लक्ष्मीचंद नाम का एक पात्र होता है, वो ईश्वर की भक्ति करता है, जीवन भर भक्ति करता है, और प्रतिदिन वो यही कहता है कि हे प्रभु आप मुझे एक बार दर्शन दे दे, एक बार दर्शन दे दे मुझे, और कोई मतलब आप मेरे को कोई आपकी से कोई इच्छा नहीं है। तो कहते हैं कि ईश्वर प्रकट होता है और कहते हैं कि ले बेटा तू अब मेरे दर्शन कर, तू जिंदगी भर तक मेरे को ये कहता रहा कि मुझे दर्शन दो, तो मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। वो आंखें खोलता है, देखता तो वहाँ साक्षात पारब्रह्म परमात्मा, जो जो, जो जो उनके एक हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, और बैठे हैं कि भगवान का आप ही है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ, तो मेरे दर्शन कर। कि साहब मैं कई बार सोचता हूँ कि बहु रुपये भी ऐसे स्वांग करके आते हैं तो कई आप बहु रुपया तो नहीं है, अरे कि तू मेरे को साक्षात परब्रह्म परमात्मा को बहु रुपया कह रहा है, बैठ और मेरे दर्शन कर। तो क्या चाहता था कि साहब मैं आपके दर्शन करूँ। अब उसके चाय पानी का टाइम होता है तो भगवान चाय पिया कि मूर्ख चाय जैसी चीज़ को तू पीता है जिसमें 21 प्रकार के पॉइजन होते हैं, बैठ जा चुपचाप मेरे दर्शन कर। फिर वो भोजन की कहता है तो कि मेरे दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि पीर पैगंबर ना मालूम कहाँ जंगलों में भटकते रहे, अनंगे होकर के निकल जाते थे, कांटों पर लेटते थे और इतनी तपस्या करते, उनको दर्शन नहीं देता और तेरे को दर्शन दे रहा, तू कह रहा भोजन कर। अरे जिनके दीमक जम गई उनको मैंने दर्शन नहीं दिया और तेरे को सहज रूप से दर्शन दे रहा हूँ और तू कह रहा कि भोजन कर, बैठ चुपचाप और मेरे दर्शन कर। अब उसके दुकान खुलने का टाइम होता है, उसको आज तारीख पे भी जाना पड़ता है, तो वो ऐसा कहता है तो भगवान वो बार बार कहते हैं कि तू उल्लू की मेरे दर्शन करने की बात करें तो तेने कहा तो क्यों कहा। आखिर में सब ऐसा होता है कि वो घबरा जाता है और कहता है भगवान आप तो यहाँ से चले जाओ, वही बढ़िया रहे क्योंकि मेरा पूरा कारोबार बिगड़ जाएगा। तो कहता अच्छा कोई दुश्मन भी आता है घर पे तो उसको यूँ नहीं कहते कि तू वापस चला जा, और मैं परब्रह्म परमात्मा सृष्टि का अखिल ब्रह्मांड नायक और तू मुझे कह रहा कि चले जाओ, पर ठीक है अब मैं तेरे यहाँ से जाऊँगा पर सीधी तरह से जाऊँगा, तुझे सबक सिखा करके जाऊँगा। इतने वो तो गदा उठाते हैं और कहते हैं कि उसके ऊपर जो ही वार किया तो उसकी नींद खुल जाती है लक्ष्मीचंद की, और चिल्लाता कि अरे मेरी धर्मपत्नी किधर गई रही है, मेरे को मार डालेगा ईश्वर। तो वो उसकी धर्मपत्नी वहाँ से आती है रसोई घर से कि क्यों चिल्ला रहे हो, क्या सपना देखा था। कि हाँ भगवान आज मैंने बड़ा सपना देखा बड़ा अद्भुत, कि क्या हुआ कि भगवान मुझे मार रहा था ऐसे कर रहा था, कि तुम तो दोनों जैसे ही काम करते हो उनको ऐसे सपने आते रहते हैं, आप तो ऐसा करो नाव धो तुम्हारे पूजा पाठ का टाइम हो गया, जाओ अपने पूजा गृह में जाओ। कि देख भगवान तू और सब बात की कहना पर आज के बाद मुझे कभी ईश्वर की पूजा करने की बात मत कहना, वरना यदि ये सच्चा मेरा सपना सच हो जाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी। ये बड़ी प्यारी कहानी इस प्रकार से। आपकी बहुत खूबसूरत किताब है, लेकिन आप ईश्वर होता है नहीं होता है उसके बारे में हमें बताएं, क्या ईश्वर है या नहीं है। अच्छा ये एक वर्ष से बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया, इसका सारांश में उत्तर इतना ही दिया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति के तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनमें प्रत्येक में गुण है, धर्म है, शक्ति है, क्रिया है, संयोग है। इन छः गुणों के कारण से प्रकृति स्वयं संचालित होती है, इनको किसी के द्वारा संचालित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि कोई चीज़ सार रूप में यह है कि कोई चीज़ बनाई गई होती है तो वो नष्ट होती है, इसलिए पृथ्वी को कभी बनाया नहीं गया इसलिए ये नष्ट नहीं होती, आग को कभी बनाया नहीं गया जो चीज़ बनेगी वो नष्ट होगी, और ये कभी अनादि है ये इसलिए अनादि चीज़ नष्ट नहीं होती। आपका प्रश्न मैं भी प्रति प्रश्न कर सकता हूँ कि बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बन सकती है, तो फिर ये प्रश्न ईश्वर के ऊपर भी लागू होगा, या जिसने भी इस संसार को बनाया तो वो भी बिना बनाए कैसे बन गया, फिर उसको बनाने वाला वो कहाँ से बन गया, और जिसने सृष्टि को बनाया ये पाँच तत्व जो कहते हैं ये पाँच तत्व ईश्वर पहले कहाँ पड़े थे जहाँ से उठा करके लाया। इसलिए सीधी बात इतनी है कि ये पाँचों तत्व अनादि है और अनंत काल तक रहेगा, सारांश में इतना ही है। बाकी सूक्ष्म
विषय है। इनके छह तत्वों के तात्विक विवेचन जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, प्रकृति के कारण कार्य की व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, तब तक इसका समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। आप कबीर को फॉलो करते हैं, लेकिन कबीर साहब ने एक पर्टिकुलर जाति को बहुत ज़्यादा उधेड़ा था, वो कौन सी जाति थी और उन्होंने अपशब्द में क्यों कहा था कबीर साहब ने ऐसा, उसके बारे में बताएं। देखिए साहब, ये बातें रामचंद्र शुक्ल ये आपने जो बात कही हो, रामचंद्र शुक्ल के शब्दों की बात कही है। कबीर साहब ने कभी किसी को ना तो ये उधड़ा ना किसी को अपशब्द कहे। कबीर साहब ने इंसान थे, कबीर साहब इंसान थे इसलिए उन्होंने इंसानियत की बात करी। जिन्हें शक हो वे करे और खुदाओं की तलाश, जिन्हें शक हो वे करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को ही दुनिया का खुदा कहते हैं। कबीर साहब ने इंसानियत की बात करी, मनुष्य थे, मानवता की बात करी। उन्होंने जो भी ढोंगी थे, पाखंडी थे, धर्म के नाम पर से जो आडंबर रचते थे उनका पर्दाफाश किया, और जो छिपे हुए थे धर्म और ईश्वर के ठेकेदार उनको बीच चौराहे पे ला करके खड़ा किया। हमारे ये से नहीं कि कहीं कमरों में बैठ करके, मंच पे बैठ करके ललकारा। कबीर खड़ा बाजार में, वो बीच बाजार में खड़े होकर के उन्होंने कहा। उन्होंने ना तो हिंदू के खिलाफ थे ना वो मुसलमानों के खिलाफ थे, वे खिलाफ थे तो वे ढोंग और पाखंडों के खिलाफ थे, अंधविश्वासों के खिलाफ थे, चमत्कारों के खिलाफ थे, धर्म और ईश्वर के नाम पर जितने भी ढोंग और पाखंड फैलाए गए थे उस जमाने में उनके खिलाफ थे, न हिंदू के खिलाफ थे न मुसलमानों के खिलाफ थे। यदि हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ हुए होते वो तो वो 120 वर्ष तक जिंदा उनको जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन 120 वर्ष तक वो जीवित रहे। कहते कि उस समय बिजली खां पठान और सिकंदर लोदी जैसे यहाँ पर यूँ समझो कि आक्रामक थे, मतलब वो तो उन्होंने भी उनके आगे ताज रख दिया, क्योंकि कबीर साहब निष्पक्ष थे। पछा पछी के कारण सब जग रहा भूलान, और निरपक्ष हो के हरी बजे सोई संसुजान। उन्होंने पक्षपात की बात नहीं करी। जब वो हिंदुओं को कहते थे तो मुसलमान, हिंदुओं को ललकारते थे पंडित पुरोहितों को, तो मुसलमान सोचते थे कि ये तो हमारे फेवर का व्यक्ति है देखो, लेकिन जब वो इधर फटकारते थे तो कहते इनके विरोध में। कबीर साहब किसी के विरोधी नहीं थे, वो तो विरोध थे इन ढोंग और पाखंडों के अंधविश्वासों के खिलाफ में थे वो। जी, आप संतों की वाणी करते हैं, लेकिन आपकी किताब थी मस्तराम, और मस्तराम की किताबें जहाँ तक बताई जाती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी किताबें नहीं हुआ करती थी, और आपकी किताब वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी हुई थी। मस्तराम का खत एक ईश्वर के नाम, तो वो क्या था उस मस्तराम में और वो क्या खत था उसके बारे में बताएँ, और वो किताब क्यों आपकी बहुत ज़्यादा चर्चित हुई उसके बारे में ही बताएँ। देखो साहब, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मैंने ऐसी पुस्तक क्यों लिखी, मेरे विचार से जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत धारणा है कि संसार में यदि सबसे बड़ी खतरनाक कोई बात है तो वह आतंकवाद नहीं है, वह सबसे यदि खतरनाक है कोई बात है तो वह जातिवाद है, वह खतरनाक है तो वह है अंधविश्वास है, और यदि सबसे ज़्यादा खतरनाक यदि है तो ईश्वरवाद की कल्पना है। क्योंकि ईश्वर के कबीर साहब कहते करु भैया बल आपनी, करु भैया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, अरे जाके आंगन नदिया भय सो कसमरत प्यास। तो मैंने ईश्वर के नाम जो पत्र लिखा है, काल्पनिक पात्र मस्तराम, वो ईश्वर के बारे में कहता कि ईश्वर एक साधारण, हमारे संसार का एक साधारण पिता भी अपने बेटों को सुखी रखने के लिए सब काम करता है। एक कोई बाप ऐसा तो नहीं धरती पर पाया जाता कि वो अपने चार बेटों को एक गहरा कुआं खोदे और गड्ढे में डाले और डाल करके फिर उनसे कहे कि ये मेरे बेटो, मैं तुमको तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरा भजन करोगे, मेरा नाम जपोगे, मेरी पूजा करोगे, मेरी स्तुति गाओगे। ऐसा पिता इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा, चाहे उसके पुत्र कितने भी कमीने हो, कितने दुष्ट हो, लेकिन ऐसा बाप यहाँ कोई को नहीं मिलेगा। तो यह बात एक ईश्वर के बारे में कहते कि ईश्वर ने हम सबको यहाँ मृत्युलोक के बड़े भारी गड्ढे में, मृत्युलोक में यहाँ डाल दिया है, तो हमने उसके बाप का क्या बिगाड़ा था, सबसे बड़ी बात तो यह है। और वो फिर वहाँ से कहता है, लोग कहते हैं ये उनके ठेकेदार, ईश्वर के ठेकेदार, कि तुम उसकी पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, हवन करो, ये करो, तीर्थों में जाओ, तो इसका मतलब वो तभी आकर के खुश होगा। तो ऐसा बाप किस काम का। तो मस्तराम का पत्र, मस्तराम कहता है कि ईश्वर तुमने सबसे बड़ी भारी, तो हमने तुम सबका भी जब कहते कि तुमको कर्मों का फल देने के लिए भेजा है, कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा है, तो सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना करी तो यहाँ की जितनी भी जीवात्माएँ हैं इन जीवात्माओं ने ईश्वर के, जब ये सृष्टि तो थी नहीं तो उस समय सबसे पहले इन्होंने कौन सा गुनाह कर रखे थे, कौन से कुकर्म कब कहाँ किए थे जिनका फल भोगने के लिए संसार में भेजा है, ये उस मत्राम पूरा इस प्रकार से वो बोलता है। फिर ईश्वर के पास से कोई जवाब नहीं आता कि मैं जानता हूँ कि तुम कल्पना मात्र हो, लेकिन मैंने ईश्वरवादियों के ईश्वरवादी इस बात को विचारे जो मैंने इस प्रकार का पत्र लिखा है। मतलब ये संतों की जो आस्था होती है वो सबसे ज़्यादा भगवानों में होती है, लेकिन आपकी आस्था भगवानों में कम नज़र आती है, उसका क्या कारण है।
भगवान शब्द का अर्थ भी जरा अलग ही है, उसके बारे में विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन हम यदि मानते हैं भगवान तो ये संसार के व्यक्ति जितने यही सब भगवान हैं। यदि इंसान नहीं हो तो भगवान कहेगा कौन, ईश्वर कहेगा कौन? ईश्वर की कल्पना तो मनुष्य के द्वारा हुई है। कबीर साहब तो कहते पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। पूरब दिशा, हिंदू लोग कहते कि पूरब दिशा में भगवान रहता है, और पश्चिम अल्लाह मुकामा, अरे दिल माँ खोई दिल ही माँ खोजो, ये करीमा रामा, जिस करीम और राम के तुमको तुम स्मरण करते हो, जिनका भजन करते हो, पूजा करते हो, वो तो तुम्हारे दिल में ही है। एक प्रोफेसर मिस लिंडा है अमेरिका की, उसने कहा कि मैंने मध्यकाल के तमाम संतों का अध्ययन किया, मध्यकाल के मतलब जिसको भक्ति काल कहा गया है, लेकिन हम भक्ति काल नहीं कहते, हम उसको मुक्ति काल कहते हैं, हम क्रांति काल कहते हैं। तो क्या हुआ कि उस काल में जितने भी संत महात्मा हुए, तुलसी सूर मीरा दादू दरिया पलटू नाभा गीसा, ये सब जितने भी हुए, तो वो कहती हो मिस लिंडा है कि मैंने भारत के मध्यकाल के जितने भी संत महात्माओं का अध्ययन किया तो सब एक पंक्ति में खड़े, एक तरफ खड़े हैं, और सबकी उंगली आकाश की तरफ है, लेकिन कबीर एक अकेला एक तरफ खड़ा है और उसकी उंगली अपने जिगर की तरफ है। उसका कहने का तात्पर्य कि संसार के जितने भी मध्यकाल के जितने भी संत महात्मा हुए, वो सब कह रहे कि तुम्हारा कोई मालिक है ऊपर आकाश में, तुम्हारा मुक्तिदाता आकाश में, तुम्हारा मोक्षदाता आकाश में, कोई तुम्हारा मोक्षदाता परमात्मा है, लेकिन कबीर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा मोक्षदाता कोई है तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मुक्तिदाता है, और कोई है भी नहीं, वो तुम स्वयं ही हो। वो स्वयं के अलावा निसत्ता के अलावा दूसरे की बात नहीं करते, इसलिए यदि हम अपनी निसत्ता को पहचान ले तो हमें ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्व अपने आप में पूर्ण इकाई है, स्व में ठहर जाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।